हेलो स्टूडेंट्स, हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उत्सर्जन तंत्र शरीर में उपापचय क्रियाओं के बाद हानिकारक विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे निष्कासित करने की क्रिया उत्सर्जन और इस क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उनको जो निष्कासित किया जाता है, वो उत्सर्जन कहलाता है, और जो उसमें भाग लेते हैं, वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स देखें, नंबर 1 अमोनिया उत्सर्जन, नंबर 2 यूरिया उत्सर्जन, नंबर 3 यूरिक अम्ल उत्सर्जन। सबसे पहला है हमारा अमोनिया उत्सर्जन। अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, इसे हम अमोनोटैलिक कहते हैं। एग्जाम्पल है मछलियाँ। यूरिया उत्सर्जन, यूरिया के रूप में नाइट्रोजन का जो उत्सर्जन होता है, वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है स्तनधारी मनुष्य और मेंढक आदि। यूरिक अम्ल उत्सर्जन, यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, पक्षी, सरीसृप, कीट। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं? वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ये हमारे जो हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के पार्ट्स हैं। इसका डायग्राम देखें, इसमें ये जो है, ये है किडनी। किडनी जो है, ये इससे आपकी ये मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी जो है, वो मूत्राशय में जाती है। मूत्राशय से ये मूत्र मार्ग द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। ये हमारा मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र है। इसमें मेन पार्ट जो है, वो है आपका वृक्क। वृक्क का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका डायग्राम। इसमें ये जो है आपकी, इस आगे की तरफ होती है, ये रीनल वेन है। इसके पीछे की तरफ जो है, वो रीनल आर्टरी है। ये इसमें इसमें जो पिरामिड्स होते हैं, ये इधर मेड्यूला भाग है, ये कॉर्टेक्स भाग है। इसमें ये रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं, ये जो बने हुए ही आपके पार्ट्स। और ये है आपका रीनल पेल्विस। इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं, यानी मूत्र बनने की क्रिया इसमें संपन्न होती है। वृक्क की बाह्य संरचना देखें तो एक जोड़ी इसमें वृक्क जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होते हैं, सेम के बीज के आकार के भूरे लाल रंग के होते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबा इसका साइज होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ऊपर इसके एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, इसके जस्ट ऊपर लगी रहती है। मनुष्य में दायां वृक्क कुछ पीछे और थोड़ा नीचे स्थित होता है। वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना है, वृक्क को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वृक्कीय श्रोणि, वृक्कीय अंतस्था, वृक्कीय प्रांतस्था। नंबर 1, वृक्कीय श्रोणि यानी रीनल पेल्विस, यह वृक्क का आंतरिक भाग होता है। यहीं से मूत्र नली बाहर की ओर निकलती है। इस स्थान पर संचायक स्थान कहते हैं, या फिर इसको कलेक्टिंग स्पेस कहा जाता है। वृक्कीय अंतस्था यानी रीनल मेड्यूला, ये वृक्क का मध्य भाग होता है। इसमें 8 से 18 तक वृक्कीय पिरामिड्स पाए जाते हैं। इन पिरामिड में स्थित नलिकाएं मूत्र के पुनः अवशोषण की क्रिया में भाग लेती हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है, वो है आपका वृक्कीय प्रांतस्थ। यह वृक्क का सबसे बाहरी भाग होता है, जो वृक्कीय संपुट के साथ जुड़ा रहता है। इस भाग में नलिकाएं गुच्छों के रूप में फैली होती हैं। वृक्क का निर्माण करने वाली कोशिकाएं वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन्स
क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। ये वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, इसका डायग्राम देखिए। नेफ्रॉन, इसमें ये जो है आपको कप जैसा शेप दिख रहा है, इसको बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें जो ये जाल दिख रहा है, ये आपका जो है ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसके बाद जो ये निकलती है, इसकी समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद ये जो आपका लूप दिखाई देता है, ये हैनले का लूप कहलाता है। इसके बाद जो नली होती है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। और ये किस में जाकर खुलती है, संग्रह नलिका में जाकर खुलती है। ये संग्रह नलिका जो है, ये मूत्र नली में जाकर खुलती है। और मूत्र नली जो है मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। ये जो है, ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद का जो है नेफ्रॉन के बारे में नोट्स मैं आपको दूंगी, और यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र बनने की प्रक्रिया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके।